बहुत आपको अगर ये टीजर देखने के बाद गूज़बम्स आ गए हैं तो डेफिनेटली ये फिल्म जो है वो रसिकों को भी मतलब दर्शकों को भी बहुत पसंद आएगी और वो ये टीजर देख के उनके भी डेफिनेटली गूज़बम्स आएंगे 100% उनको भाएगी और ये फिल्म भी भाएगी क्योंकि फिल्म इसी तरह बनाई है हमारी नीरज जी ने डायरेक्ट की है और ओसवाल ग्रुप ने इसे प्रोड्यूस किया है कुलदीप ओसवाल जी इसके प्रोड्यूसर हैं और हमारे जो उमराव जी हैं इनका ये बीज है इस फिल्म का बीज उन्होंने दिया है कथा बीज तो और मंजरी जैसी अद्भुत अभिनेत्री है हमारे पास और उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया है इसमें और सारे किरदार जितने भी एक्टर्स हैं चाहे वो शाहबाज भाई हों अवतार जी हों अशोक समर्थ हो विनीत हो विनीत वर्मा हो या अपने अली असगर हो सब लोगों ने अपना अपना काम शिद्दत से और बहुत ईमानदारी से निभाया है और सारे किरदार इतने परफेक्ट मिलिंद गुणा जी हैं उन्होंने भी एक अद्भुत रोल किया है अब क्या रोल किया है मैं नहीं बताऊंगा बट वो बहुत सब लोगों ने अच्छा काम किया है सोनू हैं सोनू बागड़ उन्होंने भी अच्छा काम किया है और आपको ये फिल्म देखते हुए आपने ये सुना है आपने ये देखा है ये निश्चित लगेगा आपको इसलिए ये फिल्म जो है वो डेफिनेटली लोगों को अच्छी लगेगी यूपी फाइल्स मैंने प्रिपेयर यही किया देखो क्या होता है जो स्क्रिप्ट होती है संहिता होती है वो सबसे ऊपर होती है और राइटर जो होता है वो माँ होती है ओके हम लोग तो माध्यम है हम लोग उसको अभ्यास करते हैं हम लोग सोचते हैं डायरेक्टर उस हिसाब से उसको पूरा फिल्म जो है वो डायरेक्टर का माध्यम है एक्टर का माध्यम नहीं है तो एक्टर जो है वो संहिता को स्क्रिप्ट को फॉलो करता है हमेशा और किसी को फॉलो नहीं करता तो मैं सिर्फ डिवोटेड होता हूँ किसको स्क्रिप्ट को उस स्क्रिप्ट के पात्र को और उसको अगर आप कंप्लीट समर्पित हो जाएं तो आप कर सकते हैं तो मैंने ये रोल जो किया है उस स्क्रिप्ट को ऑनेस्ट रह के और प्रॉपरली किया है ओके और यूपी में हमको जिस तरह के आज जो चित्र हमें दिखाई देता है और कुछ वर्षों पहले यूपी का जो चित्र था वो कितना भयंकर था ये भी हम जानते हैं तो एक व्यक्ति आकर क्योंकि हम तो इंस्पायर होके ये कर रहे हैं वो चीज़ों से है ना तो समाज को क्या दिखाना चाहिए कि जिससे समाज तक बातें पहुँचे सही तरीके से अच्छी बातें पहुँचे कि अच्छा ये इस तरह से वो होता अच्छा ये यहाँ होता तो सिनेमा का मुख्य कारण मुख्य उद्देश्य भी वही है ना समाज तक ये सारी बातें जो हैं वो व्यवस्थित रूप से पहुँचे और यूपी का जो विकास हुआ है इतने सालों में ये जो जहाँ से चेंज ओवर हुआ है वो भी हमारे नज़र में आ रहा है कि क्या क्या हो रहा है यूपी के रोड्स देखो आप यूपी में उद्योग का साधन देखो आप यूपी में माफियाओं का निर्मूलन देखिए आप यूपी में इकोनॉमी की बढ़त देखिए आप यूपी फिल्म फ्रेंडली स्टेट हो चुका है वो देखिए आप आपको कितनी बातें बोलूँ तो चेंज तो डेफिनेटली आया है तो एक राज्यकर्ता अगर सोचता है कि क्या चेंज करना है और कैसा करना है जो समाजोन्मुख हो समाज को ऊपर लाने वाला हो ऐसा चेंज समाज में बताना ही चाहिए इसलिए मैं प्रोड्यूसर जी का ओसवाल फिल्म्स का नीरज जी का सबका आभारी मैं एक एक्टर हूँ तो मैं अपनी पूरी लाइफ में यही करती आई हूँ आई जस्ट पुट माई सेल्फ इन द शूज ऑफ अनदर पर्सन I try to like you know work on the soul of the person that I am working for right so is film mein mujhe kuch alag karne ka kuch hatke karne ka mauka mila hai pehli baar mujhe ek strong honest cop police inspector ka role play karne ka mauka diya hai neeraj sir ne thank you sir सो एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है एक ऑनेस्ट कॉप है जिनके साथ क्या होता है बिकॉज शी वॉज ऑनेस्ट और एक अच्छे सीएम आने के बाद वो जैसे उनको एक छूट देते हैं टू गेट द इंटायर स्टेट अंडर लॉ एंड ऑर्डर सो दैट इज़ द काइंड ऑफ अ कैरेक्टर प्ले एंड मुझे बहुत मज़ा आया ये रोल प्ले करते टाइम तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर यूपी में एक व्यक्ति आकर के पूरा भौगोलिक और सामाजिक और न्याय सब कुछ चेंज कर सकता है तो ये फिल्म हिंदुस्तान के हर कोने में हर व्यक्ति को बल्कि हर राजनेता को हर चीफ मिनिस्टर को अपने अपने स्टेट्स में दिखानी चाहिए प्रेरणा देनी चाहिए और इसके साथ ही एमपीज एमएलएज को सभी अपने सर्कल में दिखावे और जन जन तक पहुँचाए मेरा तो ये कहना है ताकि जितनी भी जगह पर
जिस भी तरह के माफिया राज हो रहे, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे दूसरे हो, चाहे गुंडा राज हो, चाहे और किसी का भी तरह का हो, तो उसका समापन हो सकेगा इजीली देश के नाम पे। यही संदेश है कि अगर व्यक्ति चाहे, और लास्ट लाइन बोलूँगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर की कसम, उनके संविधान की कसम, कि न एक इंच इधर न एक इंच इधर, फैसला पूरा। नहीं, ये फिल्म जो है यूपी फाइल्स, ये अपने आप में बहुत ही कहते हैं ना, बड़ी फिल्म है। बड़ी फिल्म इन द सेंस कैनवस के हिसाब से नहीं है, जो सब्जेक्ट है, जो जिस कैरेक्टर पर बेस्ड है उनको लेकर के, वो मैं कह रहा हूँ कि बड़ी फिल्म है। और मेरा कैरेक्टर बहुत ही डिफरेंट है, मुझे नहीं पता मुझे बोलना चाहिए या नहीं। अभी रिलीज़ होगा ट्रेलर तो आपको पता चलेगा। मैंने ऐसा, ये कैरेक्टर इस जोन में मैंने कभी काम नहीं किया, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ऐसा काम, तो बहुत अच्छा लगा। एंड ऑनेस्टली ये जो सब्जेक्ट है, यू नो, अगर हम इसे पॉलिटिकल कहे या पॉलिटिकल कैरेक्टर कहे, तो वो शूट करते करते भी उसका एक फील कुछ अलग आता है, यू नो, उसकी परफॉर्मेंस लेवल भी बहुत थोड़ा सा हमको कंट्रोल्ड, और वो ऑरा, और यू नो, उस तरीके से चाल चलन उसका, चाल उस कैरेक्टर का चलना, उसका बोलना, वो बहुत डिफरेंट था। तो बहुत मज़ा आया, बहुत इंटरेस्टिंग लगा, एंड आई जस्ट होप स्क्रीन पर ये बहुत अच्छा है। सर, डिफ़िकल्टी कैसे होती है ना कि बहुत ही कंट्रास्ट है जो मैंने पहले किया और अभी जो कर रहा हूँ उसको। तो मैंने आपको अभी कहा ना कि उस कैरेक्टर को अगर हम एक होता है कि हरफन मौला कैरेक्टर है तो उसमें लिबर्टी आप ले सकते हो, ऐसे कैरेक्टर में हम लिबर्टी नहीं ले सकते हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते। उसका एक वो उसके चलने का स्टाइल, उसके बोलने का स्टाइल, उसके खड़े रहने का स्टाइल, वो एक वो प्रोटोकॉल होता है जब हम ऐसे रियल लाइफ कैरेक्टर्स को हम दर्शाते हैं, तो वो कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस करने का एक एक्सपीरियंस ही अलग था, और वो मज़ा आता है। और उसमें अब तो हालत वो हो जाती है ना कि एग्ज़ाम दे दिए, अब रिज़ल्ट क्या आता है, चलो देखते कैसा लगेगा, लोग कैसे इसे एक्सेप्ट करेंगे। ऑफकोर्स बननी चाहिए, मैं मतलब सी मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिक्स का इसके साथ, या मैं पॉलिटिक्स को लेकर के बहुत ही ज़ीरो हूँ, मेरा वो नहीं है। पर एज एन एक्टर हमने कैरेक्टर परफॉर्म किया है, एंड थ्रू आउट जो फिल्म मेकिंग के थ्रू आउट का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है नीरज जी वगैरह ने, इसमें कोई मुझे नहीं लगता पॉलिटिक्स है, पर एक कैरेक्टर, एक शख्सियत जो एक पोजीशन पर है, उनके साथ क्या हुआ था, क्या हो रहा है, और उन्होंने इन सबको कैसे फेस किया, उसके ऊपर है। सो इट्स अ वेरी लार्जर, मतलब है तो नहीं रियल लाइफ कैरेक्टर है, बट इट विल लुक लाइक अ लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर।